हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप 10 लो एंड पीसी गेम्स एंड वो ओपन वर्ल्ड्स होने वाले। तो हमारा जो लिस्ट में जो सबसे पहला गेम आता है दोस्तों, उसका नाम है GTA 4। एंड मेरे को कोई जरूरत नहीं है GTA 4 के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। GTA 4 एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है। गेम को डेवलप किया है रॉकस्टार। तो उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करते हो यार, देखो यार 2 GB में बहुत ही आराम से गेम चल जाता है। ग्राफिक कार्ड ज्यादा नीड नहीं होना चाहिए, 512 MB नीड है। एंड स्पेस की बात करते हो आपके पीसी पे मिनिमम 40-15 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करो तो इंटेल कोर ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। इसमें आप कहीं भी घूम सकते हो, कार चला सकते हो, पूरा ओपन वर्ल्ड गेम है। आप आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड गेम के ऊपर जिसका नाम है स्लीपिंग डॉग। अब भाई इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हमने इसको टॉप 2 में लिया है तो यार इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो वेल गाइस, स्लीपिंग डॉग भी एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है जिसको डेवलप किया है यूनाइटेड फोन गेम ने। तो गाइस, क्या हम इसे लो एंड पीसी में खेल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसे लो एंड पीसी में खेल सकते हो। पर हम गौर करते हैं इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट की, मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करते हो दोस्तों, वीडियो रैम आपके पास 256 MB होना चाहिए, जो कि आज की डेट पे यार सभी कंप्यूटर में इससे ज़्यादा रहता है बाय डिफॉल्ट, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास प्रोसेसर होना चाहिए कोर टू ड्यूओ, जो कि बहुत ही पुराना है। एंड स्पेस खाली मिनिमम यार 15 GB होना चाहिए। तो आप आराम से इस गेम को अपने लो एंड पीसी पे खेल सकते हो। डाउनलोड करना है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप सेम वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार चलते हैं अपने थर्ड गेम के ऊपर जिसका नाम है जस्ट कॉज 2। एंड ये गेम भी बहुत ही अमेजिंग दोस्तों, ये भी लो एंड पीसी में आराम से चल जाता है। इस गेम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ दोस्तों। जस्ट कॉज 2 एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया है एवलेस्ट स्टूडियो के द्वारा। एंड इस गेम का जो रिलीज डेट है दोस्तों, वो आपका 23 मार्च 2010 को है। एंड ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है। ये आपका PC, PS3 एंड Xbox सबके लिए आता है, बट अभी हम PC के लिए बात कर लें। तो गाइस, इस गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट भी मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ दोस्तों। रैम मिनिमम आपके पास 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करो तो मिनिमम दोस्तों 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो 10 GB के आसपास दोस्तों आपके PC या लैपटॉप पे स्पेस खाली होना चाहिए। अगर आपको इसे भी डाउनलोड करना है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। हमने अभी तक मैंने जितने भी गेम बताए वो सभी ओपन वर्ल्ड है, आप आराम से इसे खेल सकते हो। अपने फोर्थ गेम के ऊपर जिसका नाम है प्रोटोटाइप। एंड गाइस, प्रोटोटाइप एक बहुत ही अच्छा गेम है, सर्वाइव करना पड़ता है, बट ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम जैसा ही, ये भी आप लो एंड पीसी पे खेल सकते हो। तो गाइस, इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। प्रोटोटाइप भी एक एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है। इसे डेवलप किया गया रेडिकल इंटरप्राइजेस के थ्रू। एंड दोस्तों इस गेम को पब्लिश किया गया 9 जून 2009 को। एंड ये भी गेम आपका एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन एंड विंडोज के लिए है, बट यहाँ पर हम पीसी के लिए बात कर रहे हैं। एंड वेल गाइस, इस गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही लो है। एंड आपके पास एक लो एंड पीसी है तो इसे आराम से खेल सकते हो। यहाँ पर हम बात कर ले दोस्तों सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पर आपके पास रैम मिनिमम 1 GB होना चाहिए। एंड ग्राफिक कार्ड की बात करो तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल आर कोर, मतलब यार बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, उसमें आपका गेम आराम से चल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर, मैं Assassin's Creed 3। तो अमेजिंग गेम है, ये भी ओपन वर्ल्ड गेम है। एंड Assassin's Creed की सीरीज को आप भली भांति जानते हैं ये कैसा गेम है, पर आपको मैं बता दूं Assassin's Creed भी एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है। यहाँ पे आपको ओपन वर्ल्ड मैप मिलता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे मिशंस मिलते हैं। एंड इस गेम को डेवलप किया गया है Ubisoft के थ्रू। एंड गाइस, ये भी गेम आपको PS3 एंड Xbox मिल जाता है, बट इसे आप PC में भी खेल सकते हो। यहाँ पर हम सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। इस गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट अप्रॉक्स बहुत ही लो है। इस गेम का मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ मैं बता रहा हूँ, रैम मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करो तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड प्रोसेसर की बात करो तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो यार मिनिमम आपकी PC या लैपटॉप 12 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। इस गेम का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर, गेम है वो है हमारा Far Cry 3। एंड इसे भी डेवलप किया गया है Ubisoft के द्वारा। ये भी एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है, इसमें भी आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। इस गेम का मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगता है कि एक ओपन वर्ल्ड है, आप पूरा घूम घाम मारपीट कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि दोस्तों इस गेम का क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, क्या हम इसे लो एंड पीसी में खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, Far Cry 3 को आप लो एंड पीसी में खेल सकते हो। रैम मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करो तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से आपका चल जाएगा। आपके पास स्पेस अप्रॉक्स 12 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए, तो इस गेम को आप आराम से खेल सकते हो। एंड इसे भी डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे।
बढ़ते हैं हमारे छठे गेम के ऊपर, का नाम है माफिया 2, एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम, एक्शन एडवेंचर शूटिंग भी बोल सकते हो, एंड इसे डेवलप किया गया है 2K गेम। सो गाइस, इस गेम का मैं बेसिकली बता दूं, इस गेम को आपको पब्लिश कब किया गया है, इस गेम को पब्लिश किया गया 23rd of August, एंड ये विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए भी है, PS4 के लिए भी है, मतलब ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए गेम उपलब्ध है। एंड यहाँ पर हम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। सो गाइस, इस गेम का सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही लो है, मतलब जैसे मैं सीरीज चलते आ रहा है, मतलब जितना उतना ही है। रैम मिनिमम 1.5G होना, 5GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 भी नीड है, एंड प्रोसेसर की बात करो तो टर्म डी में आपका ये गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 10GB के आसपास स्पेस आपके पास खाली होना चाहिए। एंड इसमें आपको एक्शन एडवेंचर शूटिंग पूरा मिलता है, ये भी ओपन वर्ल्ड गेम है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप आराम से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारे 7th गेम के ऊपर Saints Row 3, एंड गाइस ये तो सबसे एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है, एंड ये भी आपका ओपन वर्ल्ड गेम है। इसे डेवलप किया गया है, वैल्यूएशन एंड पब्लिश किया गया है THQ के थ्रू, एंड इस डेट वो 15 नवंबर 2011 है। एंड इस गेम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ दोस्तों, ये एक मतलब बोला जाए तो अमेजिंग गेम है। इसमें आपको मिशंस मिलते हैं, प्लस आप इसमें थोड़ी फनी मूवमेंट भी कर सकते हो। थर्ड, इसमें का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसका एक रीमास्टर्ड वर्जन है, बट उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई है, मतलब 4GB रैम में चलता है, बट जो ये Saints Row 3 है ये दोस्तों आपको 2GB रैम, यहाँ पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 भी नीड होना चाहिए, एंड प्रोसेसर की बात करो 12 कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो आपके पास हार्ड डिस्क मिनिमम 10GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए, एंड इसका भी लिंक आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इन सभी का लिंक आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, इन सभी डायरेक्ट लिंक है, आप आराम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे 8th गेम के ऊपर मैं Lnest। तो गाइस, इस गेम का क्या कहना। सो गाइस, ये गेम आप बोल सकते हो कि ये GTA 4 एंड माफिया 2 का रिमिक्स है, आप ये बोल सकते हो, एंड ये भी एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम है। इसमें भी आप घूम फिर सकते हो, मतलब सिटी में इधर उधर घूम सकते हो मिशन कंप्लीट करने के अलावा, एंड इसे डेवलप किया है रॉकस्टार ने, एंड दोस्तों ये गेम पब्लिश हुआ है 17 मई 2011 को। एंड गाइस, इसका भी सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत ही लो है, आप आराम से अपने लो एंड पीसी में खेल सकते हो। यहाँ पर हम बता दें सिस्टम रिक्वायरमेंट की, यहाँ पर रैम, आपके पास रैम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करो तो मिनिमम 512 भी नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो 4 होना चाहिए, एंड हार्ड डिस्क मिनिमम आपके पास 16GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस गेम को इंस्टॉल करने से पहले यार पूरा अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर लेना, क्योंकि ये ड्राइवर्स में थोड़ा लोचा खड़ता है। एंड इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो विल बी इन माय डिस्क्रिप्शन, एंड आपको मेरे वेबसाइट पे भी डायरेक्ट आप जाके सर्च कर सकते हो, गेम का नाम डाल देना, एंड सब डायरेक्ट लिंक है दोस्तों, आप आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर की गेम, एंड बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है द सैबलेटर। तो गाइस, ये भी गेम बहुत ही अमेजिंग है, एंड ये भी आपका एक्शन एडवेंचर के कैटेगरी में आता है, ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है, एंड इस गेम को डेवलप किया गया है आपका पेंडेमिक स्टूडियो के द्वारा, एंड ये गेम रिलीज हुआ था आपका 19 नवंबर 2009 को। एंड वेल गाइस, ये भी आपका पूरा GTA 4 जैसा गेम है, इसमें भी आप ओपन वर्ल्ड जैसा गेम है, इसमें भी आप घूम फिर सकते हो, मिशंस कंप्लीट कर सकते हो। एंड वेल गाइस, इस गेम का मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगता है कि इसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम, एंड गेम का यार ग्राफिक्स आपको इतना बढ़िया मिलने वाला है कि आप बोलोगे वाह क्या गेम है। एंड ये भी सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, एंड यहाँ पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेना चाहता हूँ दोस्तों, रैम मिनिमम 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो यार तो मिनिमम 512 भी नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करते हैं 12 कोर में गेम आराम से चल जाएगा, एंड स्पेस आपके पास दोस्तों अप्रॉक्स वही 6GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड इसको भी अगर डाउनलोड करना है तो इसका भी लिंक आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं हमारे आखिरी गेम के ऊपर यार, 10th नंबर गेम, एंड जो 10th नंबर का गेम है उसका नाम है Bully SE। ये गेम भी आपका एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है, एंड इसमें भी आपको मिशंस मिलते हैं। एंड दोस्तों, सब ये गेम की सबसे अच्छी बात ये है कि यार ये गेम ओपन वर्ल्ड है, मैं आपको बहुत सारे मिशंस मिलते हैं, एंड इस गेम को डेवलप किया गया रॉकस्टार के थ्रू, एंड रॉकस्टार अगर कोई गेम बनाता है तो यार वो तबाही गेम है। बुली का जो सीरीज है गेम का वो आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छा है। एंड इसका जो रिलीज डेट, एंड दोस्तों उसका जो रिलीज डेट है वो 17 अक्टूबर 2006 है, एंड ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए, इनफैक्ट एंड्रॉइड के लिए भी आप खेल सकते हो, बट अभी हम पीसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इसका मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा बोल देना चाहता हूँ दोस्तों, रैम मिनिमम 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करो तो मिनिमम होना भी हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, आप आराम से इस गेम को खेल सकते हो। एंड प्रोसेसर की बात करो तो Intel Atom 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो हार्ड डिस्क आपके पास मिनिमम 4.7GB स्पेस खाली होना चाहिए। अगर आपको इसको भी डाउनलोड करना है तो इसका भी लिंक आपको मेरे वेबसाइट मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो बस दोस्तों यही कुछ 10 गेम थे आपके लो एंड पीसी के लिए। प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा गेम लगा। एंड मैं फिर बता दे रहा हूँ, सभी गेम के लिंक आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो को पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो इस वे टॉप 10 गेम अभी तक खेल नहीं पाई या उन्हें इन टॉप 10 गेम में से कोई भी एक गेम पसंद है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।